हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube लाइव प्रोग्राम में। और दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि संडे रात 9 बजे मैं अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आऊँगा, तो रात के लगभग 9:11 हो चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे YouTube लाइव प्रोग्राम का। और दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, लास्ट संडे मैं अपना लाइव प्रोग्राम नहीं लेकर आ पाया क्योंकि कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं लाइव प्रोग्राम नहीं लेकर आ पाया, तो उसके लिए बेहद माफ़ी चाहता हूँ। और जो भी दर्शक मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं दोस्तों, तो गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि अपने फ्रेंड्स के सर्किल में, अपने अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो इस प्रोग्राम को आप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल सिर्फ़ और सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग अपना करियर इंश्योरेंस सेक्टर में बनाना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ नई नई वीडियोज़ मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आप लोगों का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों कि आप लोगों को जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा वीडियो है, वो काफ़ी पसंद आ रहा है और आप लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं और आप लोग इतने अच्छे तरीके से हमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं आप लोगों के। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपको मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँ। और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि भाई वीडियो देख के काम नहीं चलने वाला है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, यानी कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको प्रैक्टिकली आपको अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से प्रैक्टिकली करके देखना है। क्योंकि दोस्तों, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि आप लोग कहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट नहीं मिल पा रहे हैं, सिर्फ यही कहने से काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि क्लाइंट इतने हैं कि आप अगर चाहोगे तो आप क्लाइंट संभाल भी नहीं पाओगे। इतने क्लाइंट्स आपको मिलेंगे सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, आप चाहते हैं गूगल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, आपको इतने सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, वो क्लाइंट्स मिलेंगे जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं तो इंश्योरेंस के क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, अगर आप रियल इस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी का आपका काम है, तो आपको प्रॉपर्टी के क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। आप अपने लोकल एरिया को टारगेट कर सकते हैं, जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उस लोकल एरिया में आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं, उन लोगों को दिखा सकते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। तो दोस्तों, क्लाइंट की कमी नहीं है, क्लाइंट बहुत सारे हैं, बस आप में जुनून होना चाहिए कि कैसे आप उन क्लाइंट्स तक पहुंच पाए। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको नई नई वीडियोस देने की कोशिश करता हूं और आप लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन दोस्तों संडे को जो लाइव प्रोग्राम मैंने रखा है, वो लाइव प्रोग्राम इसलिए रखा है ताकि आप लोग अपने, आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी प्रश्न हैं, अपने प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, मन में कुछ डाउट्स चलते रहते हैं, राइट। जो डाउट्स आपके मन में चलते हैं, हो सकता है वो डाउट्स क्लियर करना ज़्यादा बेटर रहता है, अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो डाउट्स क्लियर करना ज़्यादा बेटर रहता है। मन में कोई डाउट्स शंका ना रखें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। अभी फटाफट से संजय कुमार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube लाइव प्रोग्राम में। और दर्शकों, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको, जो भी दर्शक मेरे इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में आपको एक छोटा सा बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। संजय कुमार जी नमस्कार, चेतन पांडे जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। चंद्रन टीवी, हाय, गुड टू मीट अगेन। चंद्रन जी नमस्कार, अपना नाम जरूर लिख दिया करें ताकि आपको नाम से हम पुकार पाएं। धर्मेंद्र कुमार जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। संजय कुमार, सर न्यू LIC एडवाइजर ज्वाइन किया हूं, तो क्लाइंट कहां से ढूंढें सर, प्लीज़ सजेशन। संजय कुमार जी, सबसे पहले तो आपको बधाई है, आपको मुबारकबाद कि आपने इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन किया है, और अगर आप चाहते हैं सच में इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना, तो आप बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप इतना अर्निंग कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। आप यहाँ पे अर्निंग ऐसा ही नहीं होता है कि सिर्फ एक ही साल आपको अर्निंग मिलेगी, आप अगर 2-3 साल रेगुलर डट के काम करेंगे तो आपको अगले 20 साल 25 साल तक रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो काम करो, ध्यान से काम करो। जहाँ तक बात है क्लाइंट्स की, क्लाइंट्स आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। यानी कि ऑफलाइन होता है कि आप डोर टू डोर जाके लोगों से मिल सकते हो, क्लाइंट्स से बात कर सकते हो, उनको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता सकते हो। ऑनलाइन होता है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो,
सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक के द्वारा आप ढूंढ सकते हो, आप गूगल के द्वारा ढूंढ सकते हो, आप यूट्यूब के द्वारा क्लाइंट ढूंढ सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे क्लाइंट ढूंढने, तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आप अच्छी तरीके से ये सब सीख पाएंगे कि कैसे फेसबुक चलाना है, कैसे गूगल चलाना है, कैसे यूट्यूब चलाना है, कैसे वहां पर एडवर्टाइजमेंट चलानी है, राइट। और इसके बाद हम लेते हैं, धर्मेंद्र कुमार जी ने लिखा है, सर अलीगढ़ की धरती से प्रणाम। बहुत बहुत नमस्कार आपको धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार। अलीगढ़ आई थिंक मुरादाबाद के पास पड़ता है, कभी ना तो मैं मुरादाबाद गया हूँ और ना ही अलीगढ़ गया हूँ। मुरादाबाद भी वैसे बहुत अच्छा शहर है, अच्छी सिटी है मुरादाबाद। चंद्रन टीवी, हाय सोनू कुमार जी, गुड इवनिंग सर जी। सोनू कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। वरुण कुमार मिश्रा, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग वरुण कुमार जी। भाई आप लोगों को जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, जो आप लोगों को नई नई वीडियोज़ मिलती हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है वीडियो से या नहीं हो रहा है आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ वो वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। राम विजय सिंह, गुड इवनिंग सर जी। राम विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। जे एम, गुड इवनिंग सर। जे एम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बेनीवाल सूर्या जी नमस्कार, सर वीडियो कॉल कहाँ करें? आज वीडियो कॉल अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लाइन हमारी अभी खुली हुई नहीं है, कुछ समय के लिए कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हमने वीडियो कॉल्स अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, वीडियो कॉल हम नहीं ले पाएंगे। और कमेंट करके ये भी बताइए कि भी आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए। चंद्रन टीवी, प्लीज़ टेल मी हाउ टू मीट एचएनआई कस्टमर। देखिए एचएनआई कस्टमर आप कैसे ढूंढ सकते हैं, आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, सबसे बेस्ट है सोशल मीडिया से आप एचएनआई क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। आप टारगेटिंग कर सकते हैं कि कैसे आप लोगों तक पहुँच सकते हैं। अभी दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि भाई कैसे आप एक कंपनी के चेयरमैन, कंपनी का चेयरमैन, ध्यान से सुनिए, कंपनी का चेयरमैन, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट, CFO, CEO, इनको कैसे आप टारगेट कर सकते हैं। तो फेसबुक से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मुंबई में जो भी कंपनी के चेयरमैन हैं उनको सिर्फ आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे, ध्यान से सुनना, कंपनी के अगर कोई चेयरमैन है, कोई कंपनी है, उस कंपनी का चेयरमैन है, उस कंपनी का MD है, उस कंपनी का जनरल मैनेजर है, राइट, उन लोगों को आप चाहते हो कि उन लोगों को आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाएं, उन लोगों को आप बताएं कि सर ये पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है, तो जब भी वो फेसबुक चलाएंगे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, चेयरमैन, MD, जनरल मैनेजर, राइट, इन लोगों को आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहां पर आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी, राइट। कविराज बारिक, गुड इवनिंग सर। कविराज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र कुमार, हेलो सर। धर्मेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। तापस मोंडाल, हाउ मीटिंग अमित अमीर क्लाइंट। ओके, हाउ मीटिंग, जस्ट अभी लेते हैं हम। ओके अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुरादाबाद कहाँ पे पड़ता है? मुरादाबाद और ये अलीगढ़ के पास पड़ता है। अभी अलीगढ़ से कोई किसी ने प्रणाम किया था कि अलीगढ़ की धरती से नमस्कार, क्या अलीगढ़ के पास मुरादाबाद पड़ता है? मुरादाबाद भी मैंने सुना है, मुरादाबाद की कुछ चीज़ फेमस होती हैं, लड्डू होता है या क्या होता है, आई डोंट नो, बट सुना है मैंने कि मुरादाबाद की कुछ चीज़ें ज़रूर अच्छी होती हैं। कमेंट ले लेते हैं, अभी हम मुरादाबाद में चले गए थे। अच्छा जी, अभी लेते हैं संतोष सिंह। अच्छा, अश्वनी कुमार जी का कमेंट आया है, अश्वनी जी का ले लिया हमने। अश्वनी कुमार ने लिखा है, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, क्या इंश्योरेंस के काम में पड़ गया? अश्वनी जी, बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट भी करता रहता हूं और आप लोगों को कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश भी करता हूं, बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियो भी आपको देता रहता हूं।
तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, बट आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी है। आप चिंता छोड़ दीजिए, निगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपकी सोसाइटी में, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो निगेटिविटी फैलाते हैं। लास्ट संडे नहीं आ पाया था, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया था, बट आज मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ ना, आज आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अश्वनी जी, जो निगेटिव लोग हैं आपके आसपास, उन लोगों को हटा दीजिए, लिस्ट से हटा दीजिए। आपको अपने पास सिर्फ वो लोग रखने हैं जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं दिल से, आपको वो लोग अपने पास रखने हैं। आपको ऐसी सोसाइटी बनानी है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ना कि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, और अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने देखा है, प्रैक्टिकली मैंने रियलाइज़ किया है दोस्तों, अगर आप किसी काम को दिल से चाहते हो ना, वो आपको ज़रूर मिल जाता है। अगर आप सच में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ज़रूर आप उस चीज़ को प्राप्त करेंगे, वो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त करेंगे आप। बस आपके मन में उस काम को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ अचीव करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो MDRT करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य है MDRT करना, 2022 में MDRT करना आपका लक्ष्य है, आप MDRT करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रुकावटें हैं जो आपको MDRT करने से रोक रही हैं, राइट? तो आपको वो सब चीज़ों का को हटा देना है, राइट? निगेटिव लोगों को हटा दीजिए। अब बस आप जब अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, जब आप कामयाबी हासिल कर लेंगे दोस्तों, तो फिर कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। बोलते वो लोग हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते हैं, वो लोग बोलते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, बस उनका काम है दूसरों को आगे बढ़ने से रोकना, उनके पैर खींचना। लेकिन आपको पता है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। रुकावटें जितनी भी आएंगी, उन रुकावटों को पार करते हुए चीरते फाड़ते आगे निकल जाना है आपको। और आई होप कि अगर आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर जज्बा होगा, आपके अंदर टैलेंट होगा, तो आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और जो भी लोग मेरे YouTube चैनल से, जो भी इंश्योरेंस एडवाइज़र मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि इस साल 2022 में MDRT करना है। कैसे MDRT करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। दोस्तों, सीखने की कोई एज नहीं होती, मैं बार बार ये बोलता हूँ, सीखो यार, सीखो। मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ नया मिलता है, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी सीखना है, आपको भी कुछ नया सीखना है, राइट? अब फटाफट से नाम ले लेते हैं, बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे जो लोग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, राइट? संतोष सिंह जी, नमस्कार संतोष जी। और जादूमणि साहू, गुड इवनिंग सर। जादूमणि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। बेनीवाल सूर्या, गुड इवनिंग सर। आई सूर्या बद्रा, सूर्य बद्रा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक हमारे प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, तो गुजारिश आपसे ये है कि हमारे लाइव प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ नई नई वीडियोज़ मिलती रहें, तो ज़रूर आपको जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है। थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, है ना? कीर्तन सागर जी, गुड इवनिंग, नमस्कार कीर्तन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। अश्वनी कुमार ने लिखा है, ड्रेस कोड के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ड्रेस कोड तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्रेस कोड आप, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी अगर आप पहले से इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, कोई भी सेल्समैन, अगर कोई सेल्स सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो भी सेल्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भाई आप लोग जब क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि आप हाफ टी शर्ट पहन के चले गए, आप जो है जींस पहन के चले गए, है ना? इस तरीके से नहीं जाना है आपको, प्रोफेशनल लुक में आपको जाना है। प्रॉपर आपके पास शर्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि ब्रांडेड कंपनी की शर्ट होनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ।
आप कोई भी क्लीन शर्ट होनी चाहिए आपकी, टाई वगैरह लगा के जाइए आप, आपके बूट जो है पॉलिश होने चाहिए, है ना, और साथ में आपका जो है स्पोर्ट्स शूज आपको पहन के नहीं जाने हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग जो एलआईसी एडवाइजर है जब क्लाइंट के पास जाते हैं ना, स्पोर्ट्स शूज पहन के चले जाते हैं, स्पोर्ट्स शूज नहीं पहन के जाना है आपको, टाई लगा के जानी है। टाई को अवॉइड भी कर सकते हैं आप, जैसे गर्मी का मौसम है टाई को अवॉइड कर सकते हैं आप, लेकिन आपके जो कपड़े हैं प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, राइट। बेनिवल सूर्य ने लिखा है, सभी दोस्तों को मेरा एक रिक्वेस्ट, आप कभी उदास ना हो। बेनिवल जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लोग एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तो भी अच्छी बात है, मैं तो मोटिवेट करता ही रहता हूँ, लेकिन आप लोग भी अपना लक्ष्य लेके चलें कि आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रहना है, आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभी मेरे प्रिय दोस्त डीमोटिवेट हो जाते हैं और डीमोटिवेट होकर पूरा दिन खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, तो ऐसा ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा ना करें, खाना पीना ना छोड़ें, काम करें, क्योंकि काम आप करेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कीर्तन सागर, संजीव अग्रवाल, अच्छा कीर्तन सागर की आईडी से भेजा है इन्होंने, इनका नाम है संजीव अग्रवाल। अमित कुमार, गुड इवनिंग सर। अमित कुमार जी नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और इसके बाद हैं ओपी गंगवार, कीर्तन सागर ने लिखा है, और कभी नहीं बताते हैं, मतलब समझा नहीं मैं कीर्तन सागर जी क्या लिख रहे हैं। ओपी गंगवार ने लिखा है, उपेंद्र कुमार पीलीभीत, उपेंद्र कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और आज जितने भी दर्शक मेरे लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज आप लोगों को अपने एक डायरी खोलिए, सब लोग डायरी ओपन कीजिए और डायरी में लिखिए कि आपको इस साल 2022 में दिसंबर 31 दिसंबर 2022 तक आपको MDRT कंप्लीट करनी है, अपनी डायरी में सब लोग लिखिए। और आई होप कि अगर आप दिल से अपनी डायरी में लिखेंगे कि आपको MDRT करनी है तो डेफिनेटली आप इस साल MDRT करेंगे। फटाफट लिखिए कौन कौन MDRT करना चाहते हैं, जो भी लोग MDRT करना चाहते हैं इस साल ज़रूर आप MDRT करेंगे। कैसे MDRT करनी है मैं बताऊंगा, और तीन सवाल अपने आप से ज़रूर कर लें कि आप का लक्ष्य क्या है इस साल, आपका लक्ष्य 2022 में क्या है, 31 दिसंबर 2022 तक आपका लक्ष्य क्या है। ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य होगा MDRT करना, तो लिख लें, पहला है आपका आपका लक्ष्य क्या है अपनी डायरी में लिख लें। दूसरा आपको लिखना है वो लक्ष्य आपको कैसे प्राप्त करना है, वो लक्ष्य आपको कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि लक्ष्य हम सपने में देखेंगे। अगर हम रात को अपने बेड पर लेटे हुए हैं और आँख बंद करके हम सपने देख रहे हैं तो सपने देख के तो हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो जाएगी ना, उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, राइट। अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, तो एक्टिविटी जो हमें करनी है, तो हमें दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, पहला हमें लिखना है हमारा लक्ष्य क्या है इस साल का, 2022 का लक्ष्य क्या है, और दूसरा ये लक्ष्य हमें कब तक प्राप्त करना है, राइट, और तीसरा ये लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त करना है। तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने अपनी डायरी में, अभी लिखिए अपनी डायरी में, और ऊपर लिखिए कि आई वॉन्ट टू अचीव MDRT बाई 31st of December 2022, यानी कि 2022 तक आपको MDRT कंप्लीट करनी है। और अगर आप बिल्कुल तहे दिल से लिखेंगे ना, बिल्कुल अंदर के दिल से लिखेंगे, तो ज़रूर आप MDRT कर पाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। संजय कुमार, गुड इवनिंग सर। संजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश नरेश तिवारी, गुड इवनिंग सर। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, और आपको नमस्कार हमारी तरफ से। और बेनिवाल सूर्या जी ने लिखा है, मैंने सवाल किया था कि क्या आपको फ़ायदा हो रहा है क्या हमारे YouTube चैनल से, तो बेनिवाल सूर्या जी ने लिखा है बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे भी लगता है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है, और जब आप ये लोग लिखते हैं।
बेनीवाल सूर्यन लिखा है क्लियर आ रहा रही है सर। ओके, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं कमेंट थोड़ा लेट पढ़ रहा हूँ क्योंकि बीच में बात भी करनी होती है और आपके कमेंट भी लेने होते हैं। नवीन जी ने लिखा है यस। ओके, थैंक यू सो मच। ओपी गंगवार यस। राजेश नारंग यस सर, फायदा हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फायदा हो रहा है। जेएम कतूड़िया, कतूड़िया जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। कतूड़िया जी बहुत बहुत नमस्कार। धर्मेंद्र कुमार हो रहा है सर फायदा। चलिए, बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, फायदा हो रहा है। अश्वनी कुमार जी ने लिखा है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अश्वनी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको हमारी तरफ से। फतेह सिंह ने लिखा है गुड इवनिंग सर, फतेह सिंह गुड़गांव। फतेह सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आपके सेशन से मुझे अच्छे फायदा हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप भी मेहनत करते रहे। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँ और आप लोगों के फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ें काम आए, मेरा पूरा प्रयास रहता है। अवधेश नरेश तिवारी, अवधेश जी नमस्कार, उत्तर प्रदेश अयोध्या से हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी नगरी से हैं आप अयोध्या से, तो आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आई होप कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो हमारे YouTube लाइव प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं। तो आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि हमारा जो लाइव प्रोग्राम है, हर एक संडे रात 9 बजे मैं अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिसमें आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। यानी कि आप लोग हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं, राइट। पिछले संडे लाइव प्रोग्राम लेकर नहीं आ पाया, उसके लिए बेहद माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू था, दैट्स वाई मैं अपना प्रोग्राम नहीं लेकर आ पाया। असरुल अहमद, असरुल अहमद जी गुड इवनिंग, वेस्ट बंगाल से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। अनिल कुमार गुड इवनिंग सर, अनिल कुमार फ्रॉम चंडीगढ़ एंड सिटी ब्यूटीफुल। बिल्कुल, चंडीगढ़ तो एक ब्यूटीफुल सिटी है, मैं आया हूँ चंडीगढ़ में। मैंने जब मैं MBA करता था, मैंने वहाँ पे अपना जो समर ट्रेनिंग होती है वो समर ट्रेनिंग किया था। सेक्टर 35 में एक कंपनी थी, पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, वहाँ पे मैंने 2 महीने के लिए ट्रेनिंग किया था। तो बहुत अच्छा शहर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी मन करता है चंडीगढ़ जाने के लिए, बट समय निकालते हैं, कभी घूमकर जरूर आएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। JM सर, LIC एडवाइज़र के लिए जो काम में आए ऐसी ऐप के बारे में बताओ और उसमें लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कैसे करें। JM जी, सबसे पहले तो अपना नाम ज़रूर लिखा करें आप लोग, क्योंकि आप अपना नाम लिखेंगे तो मैं आपको आपके नाम से पुकार पाऊँगा। दूसरी बात, आपको आपने पूछा है कि कोई ऐसी ऐप बताएं जो LIC एडवाइज़र के लिए फ़ायदेमंद हो, तो देखिए, प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए आप LIC ऑल इन वन ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, LIC की सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के प्रीमियम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, वहाँ पे आप कोई भी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना है तो उसके लिए प्रगति एक ऐप है, मैंने इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो प्रगति ऐप से आप सभी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म लेना है आपको, फॉर्म नंबर 300 लेना है, 680 लेना है आपको, या फिर आपको रिवाइवल फॉर्म लेना है, कोई भी फॉर्म लेना है आपको, XYZ सारे फॉर्म अवेलेबल है वहाँ पे प्रगति एप्लीकेशन पर। धर्मेंद्र कुमार, अलीगढ़ से मुरादाबाद करीब 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, अलीगढ़ से मुरादाबाद 100 किलोमीटर दूर है, ओके। कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे मुरादाबाद, और अलीगढ़ भी ज़रूर आएंगे, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। संजय कुमार ने लिखा है छोटे एरिया में कस्टमर कैसे ढूंढें। देखिए संजय कुमार जी, छोटे एरिया हो या बड़ा एरिया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी रेडियस टारगेटिंग कर सकते हैं।
आपको आज की डेट में मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप ऑनलाइन मार्केटिंग ज़रूर सीख लें, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के बगैर काम चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा काम। आप देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन बेच देती हैं, कैसे बेच देती हैं ऑनलाइन? क्योंकि उनके एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं गूगल पर, चल रहे हैं फेसबुक पर, चल रहे हैं यूट्यूब पर, चल रहे हैं। सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, उसके बाद यूट्यूब आता है, राइट? आपको अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ कि भाई आपको ये चीज़ के बारे में आपको रिसर्च करनी है, तो आप क्या करोगे? आप उसके बारे में गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखोगे? आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, आपको कोई चैप्टर सपोज समझ नहीं आ रहा, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे, राइट? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लें, आप कोई भी एरिया लें, उसको रेडियस टारगेट कर सकते हैं, इवन पिन कोड के अकॉर्डिंग भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। आप वहाँ से क्लाइंट, इतने सारे क्लाइंट आएंगे आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने सारे क्लाइंट आएंगे। मान के चलते हैं मैं रहता हूँ सपोज चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में मैं उन लोगों को अपना, देखो मैं, मेरे को पॉलिसी सेल करनी है ना, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं जाके लोगों से मिलूँगा, राइट? सपोज एक कंपनी है, मैं कंपनी में गया, कंपनी में मैं एंट्री लेना चाह रहा हूँ, वहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड ने बोला नहीं अंदर एंट्री नहीं होगी आपकी, तो उस कंपनी में मुझे पता है लोगों को टैक्स बचाना है, टैक्स सेविंग के लिए उनको पॉलिसी लेनी है, बट कंपनी में एंट्री नहीं हो पा रही है, राइट? तो मैं तो वहाँ पे जा नहीं पाऊँगा, उन लोगों तक पहुँच नहीं पाऊँगा। बट क्या हुआ, अगर नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरे पास एक ऐसा टूल है, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा मैं उन लोगों तक पहुँच सकता हूँ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो लोग उस कंपनी में काम करते हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते हैं, वो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, वो फेसबुक नहीं चलाते हैं, वो गूगल नहीं चलाते हैं, ऐसा तो नहीं है, सब चलाते हैं, राइट? सबके अकाउंट्स हैं। तो मैं वहीं पे अपने लैपटॉप से बैठ के टारगेटिंग कर सकता हूँ कि भाई जिस कंपनी में मेरे को घुसने नहीं दिया गया उस कंपनी के एम्प्लॉय को मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे। अब वो लोग अपनी कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, आपको अंदर घुसने नहीं दिया गया है, लेकिन अगर वो अंदर बैठ के फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो उनको उनके मोबाइल पर आपकी वीडियो दिखाई देगी। जो चीज़ आप उनको जाकर नहीं बता पा रहे हो, वो चीज़ आप बाहर खड़े होके अपने ऑफिस में बैठ के उनके मोबाइल पर उनको बता रहे हो कि जी मुझे अंदर तो घुसने नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको ये प्लान बताने आया हूँ, ये बहुत अच्छा प्लान है जो आपका टैक्स बचा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सब बेनिफिट मिल सकते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नई नई जानकारी देता रहूं, लेकिन मेरे बोलने से कुछ काम नहीं चलने वाला है दोस्तों, आपको भी कुछ करना होगा, आपको भी कुछ नया सीखना होगा। जब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी हैबिट बना लें, अपनी हैबिट बना लें, कुछ मोटिवेशनल आप वीडियो देखा करें, आप मोटिवेशनल वीडियो देखें, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, राइट? ना कि मोबाइल में गेम खेलने में टाइम निकाल दें, है ना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अच्छी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट स्पेंड कीजिए, राइट? तो ये जो हमारा वीडियो है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर हर एक वो वीडियो दी हुई है जो आप की एजेंसी को, जो आपके इंश्योरेंस एजेंसी को MDRT, COT और TOT तक ले जा सकती है। अगर आप सही तरीके से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप काम करेंगे, तो इस 2022 में आप जरूर MDRT कर देंगे। और आप बताइए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, रोज़ आपको वीडियो में बता रहा हूँ, वो चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं कुछ अलग बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताने की कोशिश करता हूँ जो पहले से YouTube पे दिया हुआ है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया कंटेंट दे पाऊँ, आप लोगों को कुछ नया सिखा पाऊँ, राइट? आप लोगों को मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे तो YouTube पे हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, लाखों वीडियो पड़ी हैं, बट जो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ वो यूनिक देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक ही पसंद है, राइट? मुझे कुछ यूनिक ही पसंद है, तो आपको भी मैं यूनिक देने की कोशिश करता हूँ। धर्मेंद्र कुमार ने लिखा है, आपको बाजार करते हैं अलीगढ़ का, बाजार करते हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ धर्मेंद्र जी क्या लिख रहे हैं आप। अच्छा यादव जी नमस्कार, न्यू
न्यू प्रोस्पेक्टिंग कैसे बनाएं। न्यू प्रोस्पेक्टिंग आप बना सकते हैं, मैंने अभी बता दिया आपको कि कैसे बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। वैभव जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। जितेंद्र कुमार जी नमस्कार। धर्मेंद्र कुमार जी, सर किसी कस्टमर को प्लान बताते हैं तो वो बाद के लिए बोलता है, प्लीज़ बताएं सर। देखिए उसको आप डिपेंड करता है आप उसको कन्विंस कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो वो टालता रहेगा आपको। उसके जो भी वो टाल रहा है आपको, उसको वहीं पर एट ए टाइम जब आप उससे मीटिंग कर रहे हो, जब आप उसके पास बैठे हो, तभी आपको जो वो पोस्टपोन कर रहा है ना, उसको तभी पूछना है सर रीज़न क्या है। मैं जान सकता हूँ फंड की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है, क्या रीज़न है, राइट। उसको समझाओ कि सर डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज कल फैमिली के साथ में कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है तो कैसे फिर आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी। तो आप समझाओ क्लाइंट को। धर्मेंद्र कुमार ने लिखा है आपके चैनल पर पहली बार लाइव देख रहा हूँ। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और आपको मैं यूट्यूब चैनल पर बता देता हूँ, सारी डिजिटल मार्केटिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और इंडिया में पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर इंश्योरेंस एडवाइजर को डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जा रही है। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये चीज़ LIC एडवाइजर को किसी ने सिखाने की कोशिश नहीं की, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आपको सीखना है ये चीज़, हिम्मत नहीं हारनी। हो सकता है आपको शुरू में कंप्यूटर चलाने में कुछ प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आ जाएगा। गूगल पर एडवर्टाइजमेंट कैसे चलाना है ये आप सीखो, हर एक चीज सीखो। बहुत कुछ सिखाने वाला हूं आपको आने वाले टाइम में, बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। ओम शांति जी नमस्कार। ओम शांति डिवाइन चैनल नमस्कार जी। सर प्राग फ्रॉम गुजरात। अच्छा प्राग जी नमस्कार। पॉलिसी का क्लोजिंग कैसे करें, ऑब्जेक्शन ज़्यादा आते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के नाम से। उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। राइट रमाकांत जी, थैंक यू। रमाकांत जी ने थैंक यू लिखा है। अश्वनी कुमार लिखा है कस्टमर को मैंने प्लान समझाया, अब वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 4 दिन हो गए हैं। देखिए अश्वनी कुमार जी, क्या आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि जो आपने क्लाइंट को समझाया, क्लाइंट ने अच्छी तरीके से सुना है, और क्लाइंट्स की जो भी क्वेरीज थी, जो भी उसके डाउट्स थे, आपने वो क्लियर किए हैं? क्योंकि कोई भी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए, और अगर सब कुछ डाउट क्लियर है तो फिर तो क्लाइंट ने आपसे कुछ सवाल किया होगा, कोई ऑब्जेक्शन किए होंगे, कोई कंपैरिजन करने की बात की होगी, राइट। क्या आपने कंपैरिजन करके दिखाया क्लाइंट को? क्योंकि हो सकता है आपने जो प्रोडक्ट बताया है, क्लाइंट ने पहले किसी और को बुला के कोई दूसरी कंपनी की पॉलिसी समझी होगी, अब उसके मन में चल रहा है कंपैरिजन। क्योंकि यार आप भी मार्केट में जब सामान लेने जाते हो ना, तो मार्केट में सामान लेने से पहले आप उसको कंपेयर करते हो, राइट, कि वहाँ पे कितना और इसमें कितना है, इसमें कितना प्राइस है, इसका कितना प्राइस है, कंपेयर करते हो, उस दुकान पे कितना प्राइस है, उस पे कितना है। तो कंपेयर करने के बाद जहाँ से आपको अच्छे दामों में अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा तब आप खरीदेंगे, ऐसे ही क्लाइंट भी कंपेयर करता है। तो आप जब भी क्लाइंट से फर्स्ट मीटिंग करें तभी क्लाइंट पर एक अट्रैक्टिव इंप्रेशन छोड़ के आएँ आप। क्लाइंट की हर एक सवाल का जवाब दे के आएँ, हर एक ऑब्जेक्शन का जवाब दे के आएँ, राइट। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देंगे, आप सही तरीके से जवाब नहीं देंगे, तो क्लाइंट के मन में जो डाउट्स है ना, वो डाउट्स तो उसके मन में है, वो डाउट्स क्लियर नहीं हुआ है, वो किसी और को बुला के उससे समझेगा, और अगर उसने आपसे ज़्यादा उसको सेटिस्फाई किया तो वो उससे प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फतेह सिंह ने लिखा है सर मैं MDRT करना चाहता हूँ। फतेह सिंह जी बिल्कुल आप MDRT करेंगे इस साल 2022 में, ये मेरा विश्वास है, और जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप करते जाएं, बिल्कुल 2022 में। और हम सब लोग दिसंबर
एंड में यानी कि 31 दिसंबर को मिलेंगे और जो लोग MDRT करेंगे उसके साथ हम बैठ के डिस्कस करेंगे और कुछ ना कुछ कुछ नया प्लान बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग MDRT करेंगे इस साल में। हेमंत यादव ने लिखा है, हेलो सर, वीडियो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेनीवाल जी ने लिखा है, बेनीवाल सूर्या, मैं डेफिनेटली करूंगा MDRT, मेरा ज्वाइन 11 मई को हुआ था और मेरा कल 7 पॉलिसी कंप्लीट होगा। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इस साल MDRT जरूर करेंगे। शिशिर गहलोत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। JM सर, आपका प्रोग्राम 3 बार ज्वाइन किया है और मैं मोटिवेटेड होता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, राइट। तो आप लोग भी जरूर करेंगे। अवधेश कुमार ने लिखा है, LIC एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया विकास अधिकारी से, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अभी आपका IRDA का एग्ज़ाम होगा तो आपको IRDA का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसके बाद आप अपना पॉलिसीज़ वगैरह लॉगिन कर सकते हैं अपनी ब्रांच में, राइट। मन लगा के काम करें। आप सबसे पहले अपने डेवलपमेंट ऑफिसर विकास अधिकारी से आप ट्रेनिंग ले लें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आपको तो प्रोडक्ट नॉलेज लेनी लेनी है, साथ साथ जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आपको अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में भी जानना है। सपोज आप LIC में काम करते हैं तो आपको HDFC का सपोज एक प्लान है, HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट एक टर्म प्लान है, उसके बारे में भी जानना है, या और जो भी प्लान्स हैं उनके बारे में जानना है, कंपेरिजन करके देखना है। क्लाइंट अगर आपसे इतना सा भी आपको हिंट दें, 0.0001% भी क्लाइंट आपको हिंट दे कि वो मैंने प्लान देखा था उस कंपनी का, तो उसको उसी टाइम पे कंपैरिजन करके दिखा दो कि आपका प्रोडक्ट कैसे दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है। अगर आपने उसी टाइम पे उसको बता दिया दोस्तों, तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा कि आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपको कॉल नहीं कर रहा है ना, ऐसा नहीं करेगा। अगर आपने वो उसका डाउट वहीं पे अधूरा छोड़ दिया तो वो उसको दोबारा रिसर्च करेगा, वो हो सकता है दोबारा इंटरनेट पर जाके इंक्वायरी डाल दे, हो सकता है वो किसी एडवाइज़र को बुला ले, उससे समझ ले, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बनोश्री लायक, गुड इवनिंग सर। बनोश्री जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। जगपाल LIC एडवाइज़र, सर क्लाइंट फोन पे टालता रहता है, मिलने पर पॉलिसी ले लेता, फ़ोन पे टालता है, तो आप फ़ोन पे उससे पॉलिसी की बात मत करो ना भाई। मैं हमेशा बताता हूँ, जब आप क्लाइंट से पहली बार बात कर रहे हैं या आपकी टीम आपके टेलीकॉलर्स कॉल कर रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट से प्रोडक्ट के बारे में पॉलिसी सेल करने की फोन पे ही कोशिश ना करें। यह गलती आप में से ज्यादातर LIC एडवाइजर करते हैं। यह भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आप क्लाइंट से फोन पे बात करेंगे, तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप वीडियो देख लीजिए कि कैसे आप अपने क्लाइंट से फोन पे बात करेंगे। आप चाहते हो कि क्लाइंट को फोन मिलाओ, क्लाइंट को बोलो कि सर LIC जीवन लाभ प्लान आया है, क्लाइंट आपको बोले ठीक है आप आ जाइए आप चेक ले जाइए, ऐसा थोड़ा ही होता है यार। कोई आप मार्केट से परचून की दुकान से सामान थोड़े खरीदने जा रहे हो, राइट। पैसे को पैसा लगाना है, ऐसे ही प्रॉपर्टी में होता है। प्रॉपर्टी में क्लाइंट क्या होता है, आपने क्लाइंट को फोन किया कि सर ये फ्लैट है यहाँ पे और ये फ्लैट इतने लाख का है, तो क्लाइंट क्या बोलता है, सर मैं आ रहा हूँ, मैं आपको चेक लेके आ रहा हूँ, ऐसा थोड़ा है। पहले वो साइट विजिट करता है, क्लाइंट आएगा साइट विजिट करेगा, साइट को देखेगा कि ये साइट है, लोकेशन। Thank you.
तो दोस्तों एक बार फिर मैं ज्वाइन हो चुका हूँ आप लोगों के बीच में, और शशिकांत मलिक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। सोनिया जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। शोभा बिष्ट सर, कैसे बात करें कस्टमर से कि एक बार में वो पॉलिसी ले ले, कोई टिप्स बता दीजिए सर। देखिए शोभा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, और रही बात कि ऐसी कोई टिप्स बता दूँ, देखिए टिप्स तो मैं हमेशा आपको यही बताता रहता हूँ कि कैसे आप क्लाइंट से मिलके, किस तरीके से आप क्लाइंट से बात करेंगे, कैसे आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देंगे, कैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि क्लाइंट पहली मीटिंग में आपसे पॉलिसी ले ले, राइट। तो आपको हर एक चीज़ मैंने सिखाई हुई है कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को कंप्लीट करें। आपकी जो प्रेजेंटेशन, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं ना, गलती क्या करते हैं कि जाते ही पेपर लेके और A4 साइज पेपर लेके उस पर बताना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो मोबाइल में देख के बताते रहते हैं, वर्बली बताते रहते हैं, मोबाइल में देखते रहेंगे और वर्बली बताते रहेंगे। राइट, मोबाइल में देखते रहेंगे और वर्बली बताते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको सारी चीजें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है। सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका कॉम्पिटिटर के जो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट। आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप हर एक सवाल का जवाब सही तरीके से आप दे पाएंगे। देखिए हर कोई ना कोई अपने काम में परफेक्ट होता है, कोई भी ये ना समझे कि मैं अपने काम में परफेक्ट नहीं हूँ। हर कोई, आप भी अपने काम में परफेक्ट हैं, राइट। हर कोई अपने काम में परफेक्ट है, बस आप अगर उस का सही यूज करेंगे, सही दिशा में यूज करेंगे, तो आप जरूर अपने उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे, राइट। राजू तिवारी जी नमस्कार सर, मेरा ऊपर वाला कमेंट तो देख लेते, कौन सा कमेंट है मैंने देखा नहीं। राजू तिवारी जी दोबारा से कमेंट कर दीजिए, कोशिश करता हूं कौन सा कमेंट है आपका। तुलेराम शर्मा जी गुड इवनिंग, तुलेराम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। परेश कुमार राइट सर, परेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। यादव जी नमस्कार, टुडे इज टेक्नोलॉजी, हेलो सर जी, टुडे जी कैसे हैं आप। यादव जी प्लान पोस्टर कैसे बनाएं या कहां से बाय करें पोस्टर। यादव जी नमस्कार, शोभा बिष्ट सर कैसे बात करें कस्टमर से कि एक बार में, ठीक है आपका कमेंट ले लिया मैंने। पालस जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। सर कोई नए प्रोस्पेक्ट को पॉलिस के बारे में कैसे बताऊं, मतलब शुरुआत कैसे करूं, पॉलिसी के बारे में शुरुआत कैसे करें। ओके, देखिए क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट से जाते ही पॉलिसी की बात शुरू ना करें। आप लोगों की गलती यही होती है कि आप क्लाइंट के पास जाते हो और जाते ही शुरू हो जाते हो,
प्रोडक्ट बताने शुरू कर देते हो कि सर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये बताना शुरू कर देते हो, यही तो सबसे बड़ी गलती है। आपको यही गलती अपनी सुधारनी है, और आप में से 90% लोगों के साथ में ये गलती होती है, आप ये गलती करते हो। आप लोग ये गलती करते हो और आप लोगों को ये गलती सुधारनी होगी। अगर सही तरीके से काम करोगे ना दोस्तों, अपने काम के प्रति डेडिकेट रहोगे, तो जरूर आप अपने उस कार्य में सफलता प्राप्त कर पाओगे। रामाज्ञा जी, सर यू आर डिले 3 मिनट्स। मे भी हो सकता है मैं कुछ डिले हूँ, 3 मिनट डिले हूँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं, सभी कमेंट्स को लेना, एक एक करके कमेंट्स लेता आ रहा हूँ, बीच में उनके जवाब भी देने होते हैं, तो डिले होना तो स्वाभाविक है। धर्मेंद्र कुमार ने लिखा है, सर यूट्यूब पर डेली लाइव नहीं आते हो? नहीं धर्मेंद्र जी, डेली आने का तो समय नहीं है, डेली तो मैं लाइव प्रोग्राम लेकर नहीं आता हूँ, बट हाँ संडे रात 9 बजे जरूर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ। शिवम टेक, सर किस तरह के लोगों से मिलें कि वो इजीली पॉलिसी ले सके? देखिए पॉलिसी तो हर कोई ले सकता है, पॉलिसी हर कोई ले सकता है, बस आपको उन लोगों तक पहुंचना है जिनकी ज़रूरत है। आप खुद सोचो कि अगर आप मेरे पास आते हो अपना एक आरओ लेके, आरओ मतलब एक्वागार्ड, एक्वागार्ड आरओ, अगर आप एक्वागार्ड, आप जानते हैं ना कि एशिया की सबसे बड़ी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो यूरेका फोर्ब्स है, यूरेका फोर्ब्स के जो एम्प्लॉई होते हैं वो डोर टू डोर जाके सेलिंग करते हैं, अपना प्रोडक्ट घर घर जाके बेचते हैं। अगर कोई यूरेका फोर्ब्स का बंदा, कोई सेल्समैन मेरे घर पे आता है कि सर आप आरओ ले लीजिए, तो मेरे घर में ऑलरेडी आरओ लगा हुआ है, तो मैं आरओ क्यों लूँगा, मुझे आरओ की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है कि वो किस तरीके से मुझे कन्विंस करता है, अब उसकी जो सेलिंग स्किल्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, किस तरीके से वो मुझे कन्विंस करता है। वो बताता है कि सर जो आपके यहाँ पे आरओ लगा हुआ है ये 8 साल पुराना आरओ है, 6 साल पुराना आरओ है, सर अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सर इसमें आपकी कुछ यूवी करके कुछ ये आता है वो आता है, फिल्टर नए लग गए हैं, पता नहीं क्या क्या करके वो अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बताएगा। अगर वो मुझे प्रोडक्ट अपना सेल करके चला जाता है, हालांकि मुझे प्रोडक्ट खरीदना नहीं था, लेकिन उसने मुझे कन्विंस किया इस बारे में कि सर ये जो नया प्रोडक्ट है ये उससे बेटर है और हम आपका पुराना प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, यानी कि हम उसको पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करा देंगे आपका, रिप्लेस मतलब रिटर्न बैक, कुछ पॉलिसीज होती हैं उनकी ना, जिसमें एक्सचेंज पॉलिसी होती है, एक्सचेंज करा देते हैं, पुराने प्रोडक्ट को ले लेंगे और आपको नया प्रोडक्ट देंगे, उसकी कुछ वैल्यू होती है वो उसमें से आपकी माइनस हो जाती है। अब ये होती है उसके सेलिंग स्किल्स, वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करके आता है। यही चीज आप भी कर सकते हो, जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो, आप क्लाइंट के पास गए, हर घर में एक LIC पॉलिसी तो जरूर मिलेगी आपको। अब वो आपको बोलेगा मेरे पास LIC पॉलिसी है पहले से, मेरे पास LIC पॉलिसी है, राइट? उसने बोला कि मेरे पास LIC पॉलिसी है, तो अब आप किस तरीके से उसको कन्विंस करते हैं कि सर देखो आपके पास LIC पॉलिसी है, बट सर आपकी फैमिली में छोटा बेबी है, इस बेबी के लिए आप, उसके फ्यूचर के लिए आप पॉलिसी ले सकते हो, है ना, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना। सर आज हम जो पैसा कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं? अपने सुख दुख के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, ताकि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाएँ, हमारे बच्चे सेटल हो पाएँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा ड्रीम है। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ेंगी ना सर, हमने प्लान तो किया बड़ा बड़ा, लेकिन उसके लिए हमने कुछ प्रिपरेशन की नहीं है, उसके लिए तैयारी की नहीं है। अब हमने सोचा हुआ है कि भाई हमें अपने बच्चे को कुछ कराना है, सपोज उसको इंजीनियरिंग करानी है, मैंने प्लान किया, राइट, उसके लिए मेरे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए, 10 लाख का मैंने अरेंजमेंट भी कर लिया, ठीक है। अब
गॉड फॉरबिड कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है फैमिली में, कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके लिए 4-5 लाख रुपए हमारे ट्रीटमेंट में ही खर्च हो जाता है। क्योंकि ये आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से एजुकेशन और हेल्थ पर बढ़ रहा है, शायद किसी दूसरे सेक्टर में इतना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। महंगाई जितनी हेल्थ में और एजुकेशन में बढ़ रही है, इतनी किसी और में नहीं बढ़ रही है, राइट? तो ये चीज दोस्तों, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि आपको अगर बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके 4-5 लाख रुपए उस पर खर्च होते हैं, मेडिकल पे खर्च हो जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च हो जाते हैं, तो आपका बजट तो खराब हो गया ना। तो आप क्लाइंट को बता सकते हो कि सर देखिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें अपनी फैमिली को के प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि हम 4-5-6-10-20 हज़ार रुपये तो निकाल सकते हैं साल के, लेकिन हम 4-5 लाख रुपए साल के नहीं निकाल सकते हैं, राइट? तो आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है, राइट? शिवम टेक ने लिखा है सर किस तरह के लोगों से मिलें कि वो इजीली पॉलिसी ले लें। देखिए पॉलिसी तो कोई भी ले सकता है, आप किसी रिक्शा वाले से जाके मिल लो, आप उसको समझाओगे, आप उसको कन्विंस करोगे, हो सकता है वो पॉलिसी ले ले, बट वो प्रीमियम कम देगा, जितना उसकी पॉकेट अलाउ करेगी उतना प्रीमियम देगा। हो सकता है आप किसी कंपनी के MD से जाके मिलो, वो 4-5 लाख रुपये साल का प्रीमियम पे कर दे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लोगों से जाके मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हो, उनको समझाते हो कि भाई इंश्योरेंस क्या है। पहले तो लोगों को समझाना ये ज़रूरी है कि भाई इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या होते हैं। ये सिर्फ 3 चीज़ आप बता देना, जब आप किसी के पास जाओगे, किसी क्लाइंट से मिलने जाओगे, आप ये सिर्फ 3 चीज़ बता देना कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या हैं। आप छोड़ दो रिटर्न विटर्न की बात, इतना पैसा दो इतना मिलेगा, इतना पैसा दो इतना मिलेगा, आपने इतने साल पे करना है इतना मिलेगा, ये छोड़ दो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। आप सिर्फ ये बता दो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या हैं और इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। ये 3 चीज़ आप उसके दिमाग में ठूस ठूस के बिठा दो। अगर उसके दिमाग में बैठ गया ना, पॉलिसी आपसे ही लेगा वो, आपसे ही लेगा। आपने अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया, पॉलिसी आपसे ही खरीदेगा वो, राइट? अब आप लोग गलती क्या करते हो, जाके एक चीज रट्टा लगाया हुआ है, ज्यादातर LIC एडवाइजर ने रट्टा ये लगाया हुआ है कि जाके सर इतने साल पे कर दो इतना पैसा मिलेगा, सर 15 साल पे करो सर 21 साल के बाद इतना मिलेगा, सर 16 साल पे करो सर 25 साल के बाद इतना मिलेगा, सर जीवन लक्ष्य में इतने साल पे करो 18 साल पे करो 21 साल पे मैच्योरिटी होगी, सर जीवन आनंद में इतना दो इतना मिलेगा। अरे यार छोड़ दो ये सब चीज़ें, ऐसे बीमा बिकता है क्या? बीमा मतलब इंश्योरेंस, आप कोई इन्वेस्टमेंट देने नहीं जा रहे हो, आप इंश्योरेंस के लिए जा रहे हो। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट? LIC की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट? तो आप लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो और जब आप क्लाइंट के पास जाते हो उसको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताते ही नहीं हो, आप उसको राइडर्स के बारे में नहीं बताते हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने सारे लोग आप में से राइडर के बारे में बताते हैं, आप में से कितने सारे लोग राइडर के बारे में बताते हैं? आप बताते ही नहीं हो। क्रिटिकल इलनेस राइडर कितने लोगों को पता है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर के बेनिफिट क्या होते हैं कितने लोगों को पता है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर क्या होता है आप में से कितने लोगों को पता है, कमेंट करके बताइए फट से, कितने लोग जानते हैं। एक्सीडेंटल DAB राइडर कितने लोग जानते हैं क्या होता है, ADDB राइडर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर कितने लोग जानते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कितने लोग जानते हैं जरा बताइए। क्या आप इन राइडर्स के बारे में क्लाइंट को बताते हो जब आप क्लाइंट से मिलते हो? नहीं बताते हो, बस एक ही चीज रट्टा लगा के बैठे हुए कि इतना दो इतना मिलेगा, इतना दो इतना मिलेगा। ये कोई तरीका थोड़ा यार, ऐसे बिजनेस होता है क्या?
ऐसे पॉलिसी सेल कर पाओगे क्या? आप नहीं कर पाओगे। तभी तो आपसे पॉलिसी ना लेके किसी और को बुला के पॉलिसी ले लेता है वो। अपनी एक फाइल बनाओ यार, अपनी एक फाइल बनाओ। आपके बैग में फाइल होनी चाहिए, आपके बैग में फाइल होनी चाहिए। उसमें आपका बोनस रेट का चार्ट होना चाहिए कि LIC का बोनस रेट इतना है, प्राइवेट कंपनीज का बोनस रेट इतना है। अपनी एक फाइल बनाओ, उसमें बोनस रेट रखो, राइट। उसमें IRDA सर्कुलर, IRDA का जो वो होता है ना आपका क्लेम सेटलमेंट रेशो, क्लेम सेटलमेंट एनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें क्लेम सेटलमेंट रेशो निकालो और वो अपने बैग में रखो, ताकि आप क्लाइंट को दिखा पाओ कि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशो इतना है, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशो इतना है, राइट। ये सारी चीजें आपको देखनी है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके जो बिजनेस है ना, बिजनेस को आगे ग्रो करने से रोकती हैं। आप नहीं कर पाते हो, ये छोटी छोटी चीजें आप गलती कर देते हो और आपका डील क्लोज नहीं होती है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट कर लोगे तो आप ज़रूर इस साल MDRT कर लोगे। और डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक ऐड चलाना तो शुरू कर दो आप सब लोग। फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दो। फेसबुक पेज बना लिया आप लोगों ने? जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को फेसबुक पर पेज बनाना है, क्या आप लोगों ने फेसबुक पर पेज बनाया? मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको यूट्यूब पर चैनल बनाना है, आप लोगों ने यूट्यूब पर चैनल बनाया? नहीं बनाया। कितने लोगों ने बनाया कमेंट करके बताओ, अभी पता चल जाएगा कितने लोगों ने बनाया। और अगर बनाया है तो अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करो मुझे, मैं देखता हूँ उसको आप कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसको आप और अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप उसको और बढ़िया बना सकते हो। मैंने आपको बोला था कि आप सभी को यूट्यूब वीडियो अपलोड करने से पहले आपको 4-5 वीडियो शूट करनी है, राइट। आप में से कितने सारे लोगों ने वीडियो बनाई? मोबाइल सबके पास है ना, मोबाइल सबके पास है, मेरे पास भी मोबाइल है। हो सकता है इस मोबाइल से एक बंदा गेम खेलने में निकाल दे और एक बंदा इस मोबाइल से क्या करे, कुछ नया कर दे। इस मोबाइल से बहुत कुछ हो सकता है, इस मोबाइल से बहुत कुछ आप कर सकते हो। इस मोबाइल से आप गेम खेल सकते हो, इस मोबाइल से आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, राइट। तो सीख लो यार मेरे दोस्तों, सीख लो। समय नहीं है, लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी लाइफ है। इस लाइफ में आपको बहुत कुछ अचीव करना है। आपके ऊपर जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको उन रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, आपको उनका सामना करना है, मुश्किलों का सामना करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। चलिए आगे कमेंट ले लेते हैं, किस किस के कमेंट हैं। शशिकांत मलिक, सर मैं जनवरी से काम शुरू किया हूँ और मेरा सिर्फ 7 पॉलिसी हुआ है, MDRT करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ सजेस्ट। वही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से, MDRT करने के लिए आपको क्या करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, उनको अपना प्रोडक्ट बताना है, उनको इंश्योरेंस के बारे में बताना है, उनको बताना है कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। ये सब आप बताएंगे तो आपकी MDRT अपने आप हो जाएगी। अब आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में लगभग 40 से 50 वीडियो बनाई हुई हैं कि कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वीडियो देखिए, जहाँ पर आप देख कर समझ जाएंगे कि कैसे कैसे आपको करना है, राइट। और ऑफलाइन होता है कि आप जाके लोगों से, मार्केट में निकल जाओ सुबह ही और जाके लोगों से मिलो, डोर टू डोर जाके मिलो, घर घर जाके मिलो, स्कूल में जाके मिलो, टीचर से मिलो, कहीं पे जाके मिलो, कंपनी में CEO से जाके मिलो, चेयरमैन से जाके मिलो, MD से जाके मिलो, किसी से भी मिलो जाके। आपको पॉलिसी चाहिए, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलो जाके। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, वो ITR फिल करते हैं, उनके पास क्या होता है, उनसे आप बात करो जाके, है ना। उनको बताओ कि सर आप हमें इतनी पॉलिसी दे दो,
है ना, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिंक कीजिए, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। राजू तिवारी, सर मेरा ऊपर वाला कमेंट तो देख लेते। राजू तिवारी जी, आपका कमेंट कौन सा है भाई, समझ नहीं आ रहा है। यादव जी, आपने मेरा भी कमेंट नहीं देखा सर। यादव जी, आपका कमेंट तो मैं ले चुका हूँ पहले, शायद आपने देखा नहीं है, मैं आपके कमेंट को ले चुका हूँ पहले। रामाज्ञा, रिक्वायर्ड फुल वीडियो फॉर एक्सीडेंट रूल। ठीक है, बिल्कुल मैं नोट कर लेता हूँ, एक्सीडेंटल के बारे में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। वैसे मैंने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी के बारे में वीडियो बना रखी है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप एक्सीडेंटल डेथ के बारे में वीडियो देख सकते हैं। संजय जी नमस्कार, गुड इवनिंग सर। रामाज्ञा जी नमस्कार। वीरेंद्र त्यागी, गुड इवनिंग सर। वीरेंद्र जी कहाँ से हैं आप, जरा कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं। राजू तिवारी ने लिखा है, सर मेरी एजेंसी को 1 साल हो गया, मेरी पुरानी पॉलिसी लैप्स हो रही हैं। सर मैंने शुरुआत में क्वार्टरली कर दी थी, सॉल्यूशन बताएं प्लीज़। भाई क्वार्टरली आपने की है या मंथली की है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी मोड पर भी पॉलिसी कर सकते हैं, बट आपकी पॉलिसी लैप्स हो रही है, आप उनके पास जाइए। आपने जब उनसे प्रीमियम लिया है तो वो अगर उन्होंने फर्स्ट प्रीमियम क्वार्टरली पे किया तो वो आगे भी पे करेंगे, है ना, उनकी ज़रूरत थी ना, तभी तो उन्होंने पॉलिसी ली है। उनको बताया कि सर अगर आपने पॉलिसी बंद कर दी तो आपको कोई बेनिफिट हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप क्लाइंट के पास जाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आप क्लाइंट को बताएं। जकुल्ला जी, सर आई एम न्यू एजेंट एंड ऑल्सो वर्किंग एज ए लेक्चरर, बट आई वॉन्ट टू बिकम ए फुल टाइम एजेंट, बट माई फैमिली मेम्बर्स डज नॉट लाइक दिस माई डिसीजन, प्लीज गिव मी एडवाइस। ओके, देखिए आप एक लेक्चरर हैं तो आप बिल्कुल LIC के साथ में काम कर सकते हैं, फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही है तो आप फैमिली को बताएं कि भाई इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, अगर मैं LIC का काम करता हूँ साइड बाई साइड तो इससे कोई लॉस तो होने वाला नहीं है, राइट, कोई नुकसान थोड़ा ही होगा इससे। आप LIC की एजेंसी ले लीजिए, सैटरडे संडे आपको टाइम मिलता है, सैटरडे संडे आप लोगों से मिल सकते हो, आप एक लेक्चरर हैं, आप लोगों को जानते होंगे, उनसे जाके आप मिल सकते हो, है ना। तो क्योंकि इंश्योरेंस तो ऐसा है यार, इंश्योरेंस सबकी ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, बट आप उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को समझाओ, उनको बताओ कि भाई इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ, इंश्योरेंस का काम मैं एज ए पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ और फुल टाइम आप करना चाहते हो, बट फुल टाइम आप करिए, जब आपकी इनकम आपकी सैलरी के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तब आप फुल टाइम काम कर सकते हो। अभी आप पार्ट टाइम काम करें, जब आपकी इनकम आपकी जॉब से ज़्यादा हो जाए तब आप इसको फुल टाइम लेकर चल सकते हो। अभी मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम LIC के साथ में काम करें, पहले आप सेटल हो जाइए, पहले आपकी एजेंसी अपनी आपकी एजेंसी है, जब आपकी एजेंसी में इतना बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी जो करंट इनकम है उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो आप अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना फुल टाइम काम कर सकते हैं। राजकुमार राजा, हाय सर। राजकुमार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवम टेक, ओके सर, शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शोभित बिस्ट, यस सर मैंने बनाया है फेसबुक पेज एंड ग्रुप। बहुत बढ़िया शोभित जी, बहुत बढ़िया। शोभा जी, अच्छा शोभा बिस्ट, शोभा जी बहुत अच्छी बात है, आपने फेसबुक पेज बनाया है, आप इस पर एडवर्टाइजमेंट रन ज़रूर करें। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कैसे आप फेसबुक पेज बनाकर उस पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं ऐसे लोगों को ढूंढना जो लोग पॉलिसी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो लोग उसमें, आप 3 तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो, बिहेवियर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट करके ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। अखिलेश कुमार, हेलो सर। अखिलेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। विलेजर्स, सर एयरफोर्स की वैकेंसी कब आएगी? विलेज भैया, एयरफोर्स की जो वैकेंसी है उसका तो हमें मालूम नहीं है, ये तो आप न्यूज़पेपर वगैरह में देख सकते हैं, राइट, वहाँ पे आपको पता चलेगा। अखिलेश कुमार ने लिखा है, जो क्लाइंट सिंगल हैं और जॉब करते हैं
उनको कौन सा प्लान दें। देखिए जो सिंगल हैं उनका क्या होता है ना, उनका मेन फोकस रहता है कि वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा रिटर्न मिले, वो फैमिली के बारे में सोचते ही नहीं है। तो उनको आप ऐसा प्लान दें जिसमें उनको ज़्यादा रिटर्न मिले। जीवन लाभ उनको बता सकते हो आप उनको जीवन उमंग बता सकते हो कि सर देखो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जीवन उमंग पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जीवन उमंग पॉलिसी में आप इन्वेस्ट करेंगे 15 साल तक और 15 साल के बाद आपको 8% गारंटेड, समय शोर्ट का 8% गारंटेड इनकम आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी जीवन उमंग प्लान में। तो जीवन उमंग प्लान आप बता सकते हो, और इसके अलावा जीवन लाभ प्लान भी आप बता सकते हो। शिवम टैक्सर, इनकम टैक्स डिडक्शन जो LIC से डिडक्ट होता है उसको रिफंड कैसे पाएं। शिवम जी देखिए, आपका LIC से TDS कटता होगा, राइट? जो TDS आपका कटता है वो TDS आप रिफंड ले सकते हो। इसके लिए आज जब आप ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं आप, तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप जो भी आपकी सेविंग्स हैं वो सेविंग्स दिखाएं। आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपका ITR भरेगा, तो वहाँ से आप ITR भरेंगे तो आपका रिफंड आ जाएगा। अगर ITR नहीं भरेंगे तो रिफंड नहीं आएगा। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हायर कीजिए, उससे आप ITR भराइए तो आपका रिफंड आ जाएगा। सौरभ चंदोला, हेलो सर। सौरभ जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और जो भी दर्शक प्रोग्राम से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा और हमारे चैनल पर दी गई वीडियोस आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। राइट? कमलेश जी नमस्कार। ज़्यादा कौन सी देने में फ़ायदा होगा, क्वार्टरली या हफ्ली या ईयरली? देखो पॉलिसी तो आप कोई भी दे सकते हो, आपको फ़ायदा अपना नहीं देखना है, आपको फ़ायदा क्लाइंट का देखना है। फ़ायदा आपको तो उतना ही होगा, आप मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, एनुअली करेंगे। अब सपोज क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी सैलरी आए, सैलरी में से मेरा डिडक्ट हो जाए, तो उनको आप मंथली बता सकते हो, राइट? अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको आप ईयरली बता सकते हो। तो बेटर ये होगा कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कौन सा मोड उसके लिए बेस्ट रहेगा, तो उस मोड से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसको फोर्स करोगे नहीं सर ईयरली करो, वो कह रहा है मंथली, आप कह रहे हो उसको ईयरली करो, ऐसा नहीं होता है। करुणा शंकर तिवारी, करुणा शंकर तिवारी जी, करुणा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संजना चौहान जी नमस्कार। मर्चेंट ID कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हीरालाल जी नमस्कार। हीरालाल जी आपका स्वागत है हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और दोस्तों आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी दर्शक प्रोग्राम से पहली बार जुड़े हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने कलीग्स के साथ में, अपने जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनके साथ में, अपनी टीम के साथ में। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं देता रहूं। और दोस्तों आप लोग एक काम और करें, आप सोशल मीडिया का यूज़ करना स्टार्ट कर दें। आप लोग अभी एक्टिव नहीं हैं सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पेज बनाएं, आप गूगल अकाउंट बनाएं, आप यूट्यूब अकाउंट बनाएं, वीडियोज़ बनाएं, राइट? ये सब काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आप ये सब काम करेंगे तभी आप सोशल मीडिया के द्वारा क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन में आप सैकड़ों लीड ला सकते हैं, एक दिन में सैकड़ों लीड आपके पास होंगी अगर आपने सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग, तो सैकड़ों लीड आपके पास होंगी। संजय जी नमस्कार, एक्सेलेंट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो आप लोग सब लोग अगर आप वीडियो बनाने से हिचकिचाते हैं, आपको डर लगता है कि वीडियो कैसे बनानी है, तो ये डर निकाल दें आप अपने अंदर से, अपने अंदर का ये डर आप बिल्कुल निकाल दें, राइट? क्योंकि
कोई भी आदमी शुरू में परफेक्ट नहीं होता है, किसी भी काम में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, राइट। स्टार्टिंग में हमें सीखना पड़ता है, हर कोई सीखता है, मैंने भी सीखा, आपने भी सीखा, बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, सब कोई सीखता है, हर कोई सीखता है। सीखने के बाद उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, गलतियाँ होती हैं फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं, गलतियाँ होती रहती हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों आपको भी यही करना है, आपको सीखना है। गलती होगी कोई बात नहीं, गलती भी इंसान से ही होती है ना, गलती होगी कोई बात नहीं, होने दो, एक गलती होगी, दो गलती होगी, चार गलती होगी, दस गलती होगी, कब तक गलती होगी। जो गलती हो रही है उसको नोट करो कि आज मुझसे ये गलती हुई है, कल जब आप वीडियो बनाओगे कल वो गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट डे आप नई वीडियो बनाओगे फिर वो गलती नहीं होगी, तो ये सारी गलतियाँ आपकी दूर होती चली जाएंगी, ये कमियाँ दूर होती चली जाएंगी। पहले दिन आप वीडियो बनाओ, कैमरे को सामने रखो, वीडियो शूट करो, वीडियो को देखो, वीडियो में कुछ आपको गलती दिखाई दे रही है तो आप नेक्स्ट डे जब वीडियो बनाओगे पहले वाली वीडियो को डिलीट कर दो और अगले वाली वीडियो बनाओ, फिर उसको देखो। अब उस वीडियो को कंपेयर करके देखो कि पहली वीडियो मैंने बनाई थी और इस वीडियो में क्या फ़र्क है, बोलने का तरीका कैसा है, आई कॉन्टैक्ट हमारा कैसा है, बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, राइट। YouTube चैनल बनाओ, Facebook पेज बनाओ, YouTube पर वीडियो डालने से पहले 10 बार 20 बार वीडियो शूट करो और उसको बार बार देखने के बाद उसमें क्या चेंज करना है वो चेंज करो आप, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और इसके बाद देख लेते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। संजना चौहान ने लिखा है बहुत मच सर, थैंक यू सो मच। जक्कुला जी ने लिखा है थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वीडियो एडवाइस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हीरा लाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। शिवम टेक सर, डेवलपमेंट ऑफिसर को सैलरी मिलती है या फिर कमीशन? भाई डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं LIC के, उनको सैलरी मिलती है, कमीशन नहीं मिलता उनको, राइट। कमीशन मिलता है एडवाइज़र को। विनोद कुमार तिवारी जी नमस्कार, विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। LIC हनुमंता जी नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। फतेह सिंह आज प्रोग्राम वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फतेह सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। भाई ये काम आप करते रहना, और कोई भी डाउट होगा तो संडे जब हम लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं अपने डाउट्स अपने सवाल आप मुझसे लाइव शो में कर सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ, ओके। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।